हेलो एवरीवन, मैं महताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इन शब्दों का सही उच्चारण क्या होता है, और अगर हमारा उच्चारण बेहतर नहीं है, उसमें गलतियां हैं, तो हम उसको दुरुस्त कर लें, उसको सुधार लें। और अगर मेरे बताने में कुछ अगर गलतियां मिलती हैं आपको, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि आपकी भी बेहतर हो जाए और मैं भी अपनी खामियों को दुरुस्त कर सकूं, उसको मैं सुधार सकूं। आइए देखते हैं इसका सही उच्चारण क्या है, इसका प्रोनंसिएशन क्या है। पहला वर्ड जो है, इसको AEEE अक्सर देखे भी होंगे आप और सुने भी होंगे लोग, इसको एप्पल एप्पल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? ए एप्पल। क्या ये सही है? जब आप गौर करेंगे, शब्दकोश में जाके आप देखेंगे, डिक्शनरी आप देखेंगे, तो आपको एक दूसरा प्रोनंसिएशन मिलेगा। वहां पे आपको मिलेगा ए पल। ये आपका सही है और ये आपका रॉन्ग प्रोनंसिएशन है। तो एप्पल का सही प्रोनंसिएशन, सही उच्चारण एप्पल होता है। एप्पल, एप्पल, नॉट एप्पल, एप्पल नहीं बल्कि एप्पल, 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 एप्पल। इसी तरह देखिए, ये आपका है जी आई आर एल एस, गर्ल्स लोग पढ़ते हैं, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल। क्या ये गर्ल्स उच्चारण सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या है इसका सही उच्चारण? इसका सही उच्चारण है गर्ल्स। इसको हम गर्ल्स पढ़ते हैं, न कि हम गर्ल्स पढ़ते हैं। आर यहां पे देखिए साइलेंट होता है और ये एस आपका जेड बन जाता है। तो इस तरह इसका जो उच्चारण बनता है, एक सही करेक्ट प्रोनंसिएशन जो बनता है, वो गर्ल्स, 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 गर्ल्स। इसी तरह आपका नेक्स्ट अगला वर्ड है एफ यू डबल एल वाई, एफ यू एल एल वाई, फुल्ली। ये भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन फुल्ली कहना, ये प्रोनंसिएशन रॉन्ग है, सही नहीं है। क्या प्रोनंसिएशन है? एफ फू फुली, 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 नॉट फुल्ली, फुल्ली, फुल्ली नहीं है। इट्स करेक्ट प्रोनंसिएशन इज फुली, फुली। अगले वर्ड पे आप आइए देखते हैं, डब्ल्यू ए एस एच ई एस, वॉशेस, वॉशेस। जाहिर सी बात है, यही हम सुने भी हैं और देखते हुए भी आए हैं। इसका करेक्ट जो प्रोनंसिएशन होता है, वॉ, ये आपका श, ये ज, वॉशिज, 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 वॉशेस को वॉशिज पढ़ते हैं, वॉशिज, वॉशिज, ये आपका जेड बनेगा, वॉशिज, वॉशिज। अगला है, अगला वर्ड है, ये आप जानते ही हैं, रोड, और यहाँ पे एस लगा है, जाहिर सी बात है लोग रोड्स कह देते हैं। ये आपका रॉन्ग प्रोनंसिएशन है, रोड्स ना होके ये बन जाएगा रोड्स, रोड्स, ये एस आपका जेड, रोड्स, रोड्स। तो रोड्स का सही प्रोनंसिएशन रोड्स होता है, रोड्स, रोड्स, रोड्स। उसके बाद आप देख रहे हैं बैग्स, बैग्स लोग कहते हैं, बैग्स भी नहीं होता है, उसी तरह ये भी है बैग्स, 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 ये भी आपका जेड है, बैग्स, बैग्स। तो इस बैग्स को बिल्कुल बैग्स आप ना पढ़ें, बैग्स है इसका सही उच्चारण, बैग्स, बैग्स। सेम इसी पैटर्न पे ये आपका डॉग, डॉग्स, 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 डॉग्स नहीं, डॉग्स कभी नहीं है। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा।
डॉग्स पढ़ते हैं, इस डी ओ जी एस, यहाँ ये भी आपका जेड का साउंड प्रोड्यूस करता है, डॉग्स डॉग्स। अगला वर्ड है वांटेड, यहाँ पे देखिए ये आपका वॉन, ये आपका टिड, वांटेड, इसको पढ़ते हैं वांटेड, वांटेड नहीं पढ़ते, वांटेड नहीं है, वांटेड। ये आपका उच्चारण है और इस उच्चारण को आप देख लें, आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा, ऐसे कैसे, बचपन से हम तो ये पढ़ते हुए आए हैं, बिल्कुल हम भी पढ़ते थे, आप भी आप पढ़े होंगे। आप इसको ज़रा एक बार देखें डिक्शनरी में, गूगल से आप इसको कॉन्टेक्ट करें, कंसल्ट करें, आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और प्रोनंसिएशन मिल रहा है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ताकि मैं भी बेहतर कर सकूं। एक बार फिर मैं इनका जो प्रोनंसिएशन है पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, एप्पल एप्पल एप्पल, गर्ल्स एप्पल, गर्ल्स फुली, वॉशिज वॉशिज, रोड्स बैग्स, डॉग्स वांटेड। ठीक है, ये एप्पल रॉन्ग, एप्पल गर्ल्स फ्ली वॉशिज रोड्स बैग्स डॉग्स वांटेड। ओके, ये इसका प्रोनंसिएशन है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें कुछ अगर खामियां हो तो बिल्कुल आप उसको बताएं, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर ये आपके ढूंढने पे मिल जाने पे आंसर सही है, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो करें, क्योंकि जो इंग्लिश का प्रोनंसिएशन होता है, दरअसल वो एक बड़ी अहमियत रखता है। ज़ुबान के अंदर जो उच्चारण की अहमियत है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है। वो ज़ुबान का हुस्न होता है, ज़ुबान की खूबसूरती होती है, भाषा जो एक भाषा होता है, उसकी भाषा की जीवन है वो। तो इसको आप बेहतर बनाएं और इसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने अंदर। थैंक यू सो मच।